हेलो एवरीवन, आई एम योर अपूर्वा एंड आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 5 ऑफ द साइंस प्लांट लाइफ. ओके, वी हैव स्टडी अबाउट इट दिस चैप्टर ऑलरेडी इन द ऑनलाइन क्लास, बट सम स्टूडेंट्स हैव नॉट अटेंड द क्लास, सो आई विल सेंड यू वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टडी. First is, look at this page, okay? And, Label the parts of a plant. क्या करना है इस इसके जो है parts के plant के parts लिखने हैं हम लोगों को. और नीचे given questions. Okay, name the parts of plant which grow above the soil. Name the part of the plant which grow below the soil. जो above soil है यानी कि soil के ऊपर जो part है उनके नेम लिखने हैं और जो नीचे हैं उनके नेम लिखने हैं. ये काम तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना. आई थिंक किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी. ठीक है, तो ये काम आपको हम करके दिखाना है. ठीक है, तो हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ और चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये चैप्टर में आगे क्या क्या है. हालांकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पहले भी पार्ट्स ऑफ प्लांट, मेनली टू पार्ट्स में इसको हमने जो है क्या किया है, डिवाइड किया है, है ना. आप लोगों को पढ़ाया था ना, याद भी होगा आप लोगों को. इफ़ यू हैव फॉरगेट सम स्टूडेंट्स, सो आई विल टेल यू अगेन. ओके, बट दिस टाइम इज रीड केयरफुली. ओके, once again the picture is here. Okay, see the watch the screen. Parts of a plant mainly two parts में divide किया जाता है. ठीक है, we know that plants are living organism. आप पता है कि living organism ठीक है, और क्या होता है कि just as our body parts perform different function, different parts of a plant perform different functions. आपको पता है जैसे कि हमारी बॉडी के जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इट मीन्स हैंड किसका काम करते हैं, हम लोग के हाथ कोई और का मतलब कोई काम करते हैं. ठीक है, पैर कोई और काम करते हैं. इस तरीके हैंड, लेग्स, माउथ, एवरी डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी टू द डिफरेंट फंक्शंस. लाइक एज हेयर, वैसे ही यहाँ पे भी होता है. प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं. ठीक है, अब प्लांट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. ठीक है, जो प्लांट्स की बॉडी होती है वो जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. रूट जो सॉइल के अंदर का पार्ट होता है, बिलो द ग्राउंड मतलब सॉइल के अंदर का पार्ट यानी कि ग्राउंड के अंदर का पार्ट, वो क्या कहलाता है, रूट. और जो इसके एवब पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो एवब द ग्राउंड फ्रॉम द शूट, इसको क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं. ठीक है, टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब जो है हम लोग और इसको हम देख भी सकते हैं कैसे इसको रूट और शूट को डिवाइडेड किया गया है पिक्चर में. ठीक है, अब हम रूट के बारे में पढ़ते हैं. रूट क्या होता है, दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट इन द प्लांट. सम प्लांट्स हैव टैप रूट्स एंड सच प्लांट्स हैव फाइबर्स रूट. क्या होता है, दो टाइप की रूट होती हैं. ठीक है, कुछ जो है टैप रूट्स होती हैं, सम प्लांट्स हैव फाइबर्स रूट, और कुछ की फाइबर्स रूट होती हैं. ठीक है, अब हम टैप रूट के बारे में पढ़ेंगे. टैप रूट कैसी होती हैं, फिगर पिक्चर में भी देख सकते हो. प्लांट्स सच एज बीन्स, कैरेट्स, टर्निप्स, मस्टर्ड हैव थिक रूट विच इज कॉल्ड अ टैप रूट. क्या होता है बेटा कि जो बीन्स हो गए, कैरेट्स हो गए, टर्निप्स हो गए, इनमें जो एक मोटी सी जो है रूट पाई जाती है, थिक सॉरी जो एक जो है घनी टाइप्स की रूट पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कार्डा टैप रूट, उसे टैप रूट कहते हैं. जैसे कि आप हम लोग देख सकते हैं, सॉरी वन सेकेंड, पिक्चर्स में देखते हैं हम लोग, ये पिक्चर्स है हम लोगों की. ठीक है, अगर पिक्चर्स में देखें, एक मोटी सी जो है यहाँ पे यानी कि रूट है, इसको ही थिक रूट है ये ना, तो थिक रूट को हम क्या बोलेंगे, टैप रूट. ठीक है सर, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट पेज देखते हैं अपना. ठीक है, तो वी शुड गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, द नेक्स्ट पेज इज द फाइबरस रूट.
ठीक है, हम लोग फाइबरस रूट के बारे में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि फाइबरस रूट कैसी होती हैं उनके बारे में। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा फाइबर्स कैसे होते हैं, ठीक है, रेशेदार होते हैं, है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा ही होगा, है ना। तो फाइबर्स रूट के बारे में अगर हम पढ़ें तो पिक्चर्स आ जाए, फिर हम लोग आपको हम समझाते हैं आपको, ठीक है। हाँ, ये देखें क्या होता है। प्लांट्स सच एज ग्रास, वीट, अनियन एंड गार्लिक हैव थिन हेयर लाइक रूट्स कॉल्ड फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट हैव अ बुशी अपीयरेंस। बुशी का मतलब जैसे वो जैसे आपने डॉग देखा है उसके जो हेयर होते हैं वो बुशी होते हैं, है ना, वैसे ही, ठीक है। अब जो ग्रास होती है, बीट होते हैं, अनियन होते हैं, गार्लिक होते हैं, इन सब के जो है ये रूट कैसी होती है, हेयर लाइक रूट्स, यानी कि इनकी हेयर जैसे रूट्स होती हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, फाइबर्स रूट बोलेंगे, ठीक है, सबको समझ में आया होगा। अब फंक्शंस ऑफ रूट, हम रूट के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। दे ऑब्जर्व वाटर, एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विच आर रिक्वायर्ड बाई द प्लांट ग्रो। यानी कि जो वाटर मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है रूट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं जिससे प्लांट ग्रो करता है। इट मीन्स हम लोग हमेशा कहते हैं ना, जड़ मजबूत होगी तभी जो है आगे सब कुछ मजबूत होगा, बोलते नहीं है आपके बड़े घर में बोलते हैं, तो रूट मीन्स जड़ होता है, तो जड़ अगर मजबूत होगी तभी प्लांट भी जो है स्ट्रांग होगा। दे हेल्प टू फिक्स द प्लांट फर्मली इन टू द सॉइल। और ये इसमें भी हेल्प करते हैं कि जो प्लांट होता है वो कैसा रहे, फर्मली फिक्स, यानी कि ये जो है प्लांट को फिक्स करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इन द सम प्लांट एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर बाई देम स्टोर्ड इनसाइड देयर रूट्स, कैरेट्स, टर्निप्स, रेडिशेस आर सम प्लांट्स वेयर एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द रूट। वी ईट द थिक एंड फ्लिशी रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में जैसे एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर, वो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर करते हैं बाई देम, रूट से ही जो है एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर करते हैं, इज स्टोर्ड इन साइड देयर रूट। और वो कहाँ पर कर लेते हैं, कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपनी रूट्स में जो है स्टोर करते हैं। कैरेट्स, टर्निप, रेडिशेस आर सम प्लांट्स वेयर एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स। वी ईट द थिक एंड फ्लिशी रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स। इनकी फ्लशी और थिक रूट होती है, और इनमें क्या होता है कि जो है एक्स्ट्रा फूड कहाँ पे अपने रूट्स में एब्जॉर्व करके रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग शूट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि शूट जो कि जो है प्लांट के ग्राउंड के अबव का पार्ट होता है, इट मीन्स अबव द ग्राउंड पार्ट इज कॉल्ड शूट। ओके, हम लोग शूट के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट आर अबव द ग्राउंड फ्रॉम द शूट। द शूट इंक्लूड्स स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स। और शूट के में क्या क्या जो है इंक्लूड होगा, क्योंकि जितना भी पार्ट हमारा सॉइल के ऊपर यानी कि ग्राउंड के ऊपर होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है, वो क्या कहलाता है, शूट कहलाता है। इसमें क्या क्या पार्ट्स आ जाएंगे, स्टेम आ जाएगा, लीव आ जाएंगी, बर्ड्स आ जाएंगे, फ्लावर्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, सीड्स आ जाएंगे। अब हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। स्टेम क्या होता है, द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। जो ग्राउंड के ऊपर स्टेम जो है ग्रो अप होती है, आपको पता होगा, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द फ्रूट। लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम। ये कहाँ पे जो है इसी सिर पे जो है बर्ड्स और जो है सब कुछ फ्रूट्स, फ्लावर्स सब ग्रो अप होते हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोग पहले पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोगों को सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ लेना है, सारे पार्ट्स पढ़ लेने हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं लीव्स के बारे में। अब आप लोगों को आगे पढ़ना है, क्योंकि इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर को आपको केयरफुली रीड करेंगे, ठीक है बेटा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रीड दिस चैप्टर, ओके। सो रीड दिस चैप्टर, आप लोगों को पूरा चैप्टर रीड करना है। अगर हम देखिए, हम लोग इस पर आ गए, ठीक है, इसके फंक्शंस दिए हुए हैं, फिर लीव के फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी आगे एक्सरसाइजेस का वर्क मैं आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है। वन सेकेंड रुक जाते हैं, फिर हम लोग आते हैं आगे। तो इसी तरीके से फ्लावर्स के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है।
फिर जनरेशन ऑफ स्टेट्स पे आते हैं, क्योंकि ये आप लोगों ने अभी तक आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी है तो फिर भी ये पढ़ाना आप लोगों को जरूरी है। पार्ट्स के बारे में आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं जर्मिनेशन पे। जर्मिनेशन क्या होता है? अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। एक सीड जो है अपने अंदर बेबी प्लांट कंटेन कर देता है, ठीक है। व्हेन सीड्स गेट द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वार्मथ एंड वाटर, दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। क्या होता है कि बेटा, जैसे कि आप ये देख रहे हो पिक्चर में, ठीक है, कि जैसे जैसे जो है एक न्यू सॉरी एक सीड जो है वो न्यू बेबी प्लांट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं कि जर्मिनेशन, सीड्स ऑफ जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बेबी प्लांट नीड्स एयर, वार्मथ, वाटर, लाइट एंड गुड सॉइल टू ग्रो इनटू अ बिग एंड हेल्दी प्लांट। एक अच्छे प्लांट के लिए क्या जरूरी होता है कि जो है अच्छे प्लांट के लिए जो है राइट अमाउंट में वाटर चाहिए, एयर चाहिए एंड लाइट चाहिए, सनलाइट, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर में जो जो भी मैंने, बिकॉज दिस इज़ वेरी लॉन्ग चैप्टर, तो आप लोग उसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, नाउ थैंक यू क्लास, एंड हैव अ गुड डे। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए घर पर, ठीक है, स्टे होम एंड सेफ फ्रॉम कोरोना। ओके, गुड बाय एवरीवन।